हेलो बच्चों, आज हम हिंदी की कक्षा में मोदी केयर फाउंडेशन की तरफ से मिली वर्कबुक का पेज नंबर 38 करेंगे, जिसमें हम कुछ संज्ञा शब्दों का अभ्यास करेंगे। तो बच्चों, यहाँ हमें नीचे कुछ कॉलम दिए गए हैं और इस कॉलम में हमें इस बॉक्स में जो शब्द दिए गए हैं उन्हें छांटकर सही कॉलम में लिखना है। तो चलिए आइए इसे शुरू करते हैं कि ये कार्य किस प्रकार करना है। तो देखते हैं इसे कैसे करना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, नीचे दिए गए संज्ञा शब्दों को चुनकर सही कॉलम में लिखो। तो बच्चों, यहाँ पे एक बॉक्स दिया है और इसमें बहुत सारे हमें शब्द दिखाई दे रहे हैं जो कि हमारे संज्ञा शब्द हैं, और उन शब्दों को छांटकर हमें नीचे जो कॉलम दिए हैं उनमें लिखना है। तो जैसे हमारा पहले कॉलम का नाम है व्यक्ति का नाम, क्या लिखना है हमें पहले कॉलम में? व्यक्ति का नाम छांटकर लिखना है। दूसरे कॉलम में दिया है वस्तु का नाम, तो यहाँ पे हमें जो भी इसमें वस्तुओं के नाम होंगे उनको छांटकर इस जगह पे लिखना है। और तीसरा है स्थान का नाम, तो यहाँ पे हमें जो स्थान के नाम इस बॉक्स में दिए होंगे उन्हें हमें छांटकर इस वाले कॉलम में लिखना है। तो बच्चों, व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम, तो ये सारे शब्द जो होते हैं हमारे क्या कहलाते हैं? संज्ञा शब्द कहलाते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको एक करके भी दिखाया है, यहाँ मैंने पहला शब्द इसमें से छांटा है राजू, जो कि यहाँ पे कहाँ दिया है? यहाँ दिया है। इसको मैं निशान लगा लेती हूँ, इस तरह यहाँ लिखा है राजू। तो राजू क्या है बच्चों? एक व्यक्ति का नाम है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको छांट के व्यक्ति का नाम वाले कॉलम में लिखा है। दूसरा शब्द यहाँ पे दिखाई दे रहा है पेंसिल, जो कि इस बॉक्स में देखते हैं कहाँ पर है, ये रहा। तो इसे भी निशान लगाते हैं कि पेंसिल शब्द मैंने यहाँ से लिया और वस्तु के नाम वाले कॉलम में लिखा, क्योंकि ये भी एक वस्तु है, ये हमारे काम आती है। इसी तरह तीसरा हमने शब्द दिखाई दे रहा है शिमला, क्या दिखाई दे रहा है बच्चों? शिमला। तो शिमला क्या है? ये एक स्थान का नाम है, ये भी इसमें ढूंढते हैं कहाँ पे है, ये रहा। तो इस पे भी हम निशान लगा लेते हैं। तो मैंने आपको एक व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम और स्थान का नाम यहाँ पे लिखकर दिखाया है। इसी तरह आगे देखते क्या है, जैसे यहाँ पे भी दिया है मोहन, क्या दिया है? मोहन। तो मोहन क्या है? एक व्यक्ति का नाम है, तो वो इसी कॉलम में आएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे मोहन, और इस पे भी हम टिक लगा लेंगे कि ये हमारा हो गया। आगे दिया क्या है? आगरा, क्या दिया है? आगरा। तो आगरा क्या है? एक स्थान का नाम है, एक शहर का नाम है, तो वो इस कॉलम में नहीं आएगा, इस वाले कॉलम में आएगा जिसपे लिखा है स्थान का नाम। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? आगरा। इसको टिक कर लेते हैं और यहाँ लिखेंगे आगरा, आगरा। इसी तरह आगे देखते क्या दिया है? केला, क्या दिया है? केला। तो ये क्या है बच्चों? केला शब्द भी हमारा क्या है? वस्तु का नाम है, ये हमारे खाते हैं हम इसे, फल का नाम है ये, तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे केला, केला, और इस पर भी टिक लगा लेंगे जिससे हमें पता चल जाए कि ये सब का ये शब्द हमने छांट के नीचे लिख लिए। तो बच्चों, जिस तरह मैंने आपको यहाँ पे कुछ शब्द छांट कर उन्हें सही कॉलम में लिख कर दिखाए, इसी तरह आपको नीचे जो जगह दी है इसमें भी इसी तरह शब्दों को छांट कर उनके सही कॉलम में लिखना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ।